देखो बच्चों, आज मैं पीएन जंक्शन डायोड को मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। पीएन संधि डायोड, तो देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पर मान लीजिए किसी डिवाइस के थ्रू पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक डायोड को कंबाइन किया यहाँ पर, तो ये हो गया पी, ये हो गया एन। ठीक पी टाइप ही साइड में चलने वाला एलिमेंट हमारे पास कौन होता है? होल होता है। ठीक है, तो मैं होल को इधर पर शो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास होल हो गए, ये ठीक, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास? निगेटिव हो गया। ठीक, और एन साइड में हमारे पास क्या हो जाते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, ये आयन है, आयन अपनी जगह नहीं छोड़ते। और अगर अपन पी टाइप पे बात करें तो ये मेरे पास यहाँ पर ये सारी टर्मोलॉजी, ये मैं यहाँ पर सर्कल के ब्लैक कलर के सर्कल में मैं यहाँ पर इनको इलेक्ट्रॉन का शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसा हो गया? होल हो गए, होल। और अगर मैं इसको लेके चलूं डार्क को, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, तो उस पूरी कंडीशन को मैं पीएन जंक्शन डायोड लेके चलता हूँ। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास पी है। ठीक, तो इस पूरे सिंबल को ऐसा शो कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाता है पी, ये हो जाता है एन, तो ये हमारे पास आ जाता है पी एन संधि डायोड हो जाता है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? पी एन संधि डायोड बोल देता हूँ। और जैसे ही मैंने इनको कंबाइन किया, तो पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलते हैं। और निकलने के बाद अगर इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पी साइड और होल यहाँ पर एन साइड मूव करते हैं, तो ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है और करंट यहाँ पर फ्लो होता है। लेकिन करंट यहाँ पर अचानक रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि पी साइड से होल और एन टाइप से जब इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर इमोबाइल आयन जैसे ये आ जाती है, ये यहाँ पर आ गए, इनका कलेक्शन हो जाता है। और जब इनका कलेक्शन हो जाता है, तो इस पूरी के पूरी कंडीशन को यहाँ पर मैं ये अवक्षय पर्थ बोल देता हूँ, अवक्षय पर्थ बोल देता हूँ। ये अवक्षय पर्थ 10^-6 मीटर ऑर्डर की होती है। और जंक्शन में यहाँ पर तुरंत यहाँ पर ये रुक जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये वाली कंडीशन में ये होल्स हैं, ये ठीक, और यहाँ पर ये कैसे है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया आपके पास
पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से एक पॉजिटिव आयन निकल जाता है या इलेक्ट्रॉन निकल आता है या परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जब परमाणु से एक होल निकल जाता है तो ये निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपके पास यहाँ पर इमोबाइल आयन जंक्शन के दोनों ओर कलेक्ट हो जाते हैं। अब कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर ये होल इससे और ये इलेक्ट्रॉन इससे कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और यहाँ पर ये पूरी कंडीशन में कंडक्शन रुक जाता है और एक प्रकार का यहाँ पर विपरीत दिशा में यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसका नेगेटिव टर्मिनल एन साइड और पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड होता है और कंडक्शन तुरंत यहाँ पर रुक गया है। ठीक है, अगर परिपथ में पुनः धारा को प्रवाहित करना होता है तो हम फॉरवर्ड या अभिनीति लेके चलते हैं। नंबर वन, मेरे पास फॉरवर्ड बायसिंग होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं, अग्र अभिनति, अग्र अभिनति। इस पूरी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, जो पीएन जंक्शन डायोड है ये हो गया पी, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, इसका कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कर देता हूं। तो पी का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से कर देता हूं और एन का कनेक्शन बैटरी के निगेटिव से कर देता हूं। तो सर्किट में यहाँ पर फिर से धारा प्रवाहित होने लगती है, ये मिली एम्पियर कोटि की होती है और सर्किट पुनः अपना काम करने लगता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं इस पी का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से कर दूं तो ये होल को इस साइड और निगेटिव इलेक्ट्रॉन को इस साइड प्रतिकर्षित करेंगे और सर्किट में पुनः धारा प्रवाहित होने लगती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिनीति बोल देते हैं। दूसरा होता है पश्य अभिनीति। अगर हमें धारा को रोकना है या बंद करना है तो मैं यहाँ पर पश्य अभिनीति लेके चलता हूँ। पश्य अभिनीति, इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, ये मेरे पास रिवर्स बायसिंग कहलाती है। अगर धारा का मान रोकना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये हो गया हमारे पास पी, ये हो गया एन, पी का कनेक्शन बैटरी के निगेटिव से और एन का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कर देता हूँ तो धारा फिर से कैसी हो जाती है, बंद हो जाती है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी धन का संबंध ऋण से और ऋण का संबंध हम धन से कर देते हैं तो धारा यहाँ पर रुक जाती है, किंतु थोड़ी बहुत धारा माइक्रो एम्पियर की यहाँ पर फ्लो होने लगती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, पश्य अभिनति कहते हैं। ठीक है, तो ये पश्य अभिनति कहलाती है।